घर गए जो बागे जो मिसर हो हेलो गाइज किदा हो सारे बढ़िया आपका भी बहुत बढ़िया। ये पंजाबी जो लैंग्वेज है ना यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यार आज का जो ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव तो नहीं बोल सकते, आज जा रहे हैं फैमिली के साथ कहीं पे लंच करने जा रहे हैं। और क्या खाना है भैया? क्या खाना बेटा? मिसल क्या मिसल? हाँ मिसल खाना है। तो आपको भी दिखाते एक स्पेशल मिसल है नासिक में। वैसे तो नासिक मिसल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये जो है ये थोड़ा एक नया कुछ खुला है, एक नया कंसेप्ट है। वैसे कंसेप्ट तो पुराना है लेकिन एक अच्छी चीज़ भी नहीं बोल सकते, अच्छी टेस्ट के लिए ये थोड़ा फेमस हो रहा है। अभी नया खुला है जैसा कि मुझे पता है, मुझे पता नहीं कितना पुराना है। तो आपको हम लेके चलते हैं वहाँ का टेस्ट देखेंगे। किधर? मिसल खाने लेके जाने का ना। ओके तो चलिए मिलते हैं हम डायरेक्टली होटल के पास। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, होटल का नाम वगैरह बाद में बता दूंगा। घर गए जो बारबेक्यू मिसर टी एंड बार पॉकेट कैफे। इसमें सेव, उसल, एक्स्ट्रा उसल, प्याज, नींबू और आलू की सब्जी। सर ये गौरव जी है, ये एक्सप्लेन करेंगे पूरा। हेलो वेलकम टू बारबेक्यू मिसल। आपल्याकडे चार रस्ते, नासिक, पुणेरी ग्रीन आणि कोल्हापुरी। कोल्हापुरी लवंगी मिरचीचा सर्वात तिखट रस्ता आहे। ग्रीन मिसल म्हणजे ग्रीन रस्ता। ग्रीन रस्त्यामध्ये कॉरिएंडर, पुदिना आणि पालक आहे। तुम्हाला एक एक रस्ता ट्राय करायचा, तुम्ही मिक्स नाही करायचा। तुम्ही जर मिक्स केलं तर फ्लेवरचा टेस्ट नाही समजणार। पुणेरी मीडियम आहे, जसं आपण नाशिकच्या मिसळमध्ये पोहे ऍड करतो तसं पुणेरी त्यांच्या याच्यात आलू ऍड करतात। बिकॉज त्यांना तिखट नाही आवडत म्हणून त्यांची मिसळ कधी तुम्ही ट्राय करायचं गोड असतं, ठीक आहे। नाशिक रस्ता रेग्युलर आहे काळा मसाला। तुम्ही एक एक रस्ता ट्राय करा, प्रत्येकाची टेस्ट वेगवेगळी। तुम्ही जर कोल्हापुरी किंवा ग्रीन ट्राय केला तर तुम्हाला ग्रीन किती कमी तिखट आहे आणि कोल्हापुरी किती स्पायसी ते नाही समजणार। पहले तो हम कोल्हापुरी रसा ट्राई करेंगे। यहाँ पे थोड़ा साउंड ज्यादा है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। ये है कोल्हापुरी रसा। मला तर आतापर्यंत दोघांपैकी हा आवडला। कोल्हापुरी भी अच्छा, कोल्हापुरी हा थोडा स्पायसी है। और एक और चीज ऐड हो गई है, ये पोहे, इसे पोहे बोलते हैं। आलू की सब्जी और पोहे थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है मिसल में और फिर खाना है। चार
तो अभी हम ट्राई करेंगे ग्रीन रस्सा। ये ग्रीन ग्रीन अच्छा है, थोड़ा पुदीना फ्लेवर आ रहा है, पुदीना है ना, पुदीना कोरिएंडर थोड़ा, हाँ पुदीना कोरिएंडर। नेक्स्ट है नासिक रसा, स्पाइसी है नहीं, ब्लैक रसा। नासिक रसा फेमस, ब्लैक रसा, काला रसा। बेटा स्पाइसी नहीं है। नेक्स्ट है पुनेरी रसा, पुनेरी रसा इधर आ जाए। नासिक सर गाइज, होप करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ये थी बारबेक्यू मिसल, टेस्ट बढ़िया थी। चार टाइप का जो रसा था, करी थी, बेस्ट थी। ऐसा कुछ नहीं था कि एक वाली पसंद नहीं आई या दूसरी पसंद नहीं आई, दो पसंद आई, ऐसा कुछ नहीं था। चारों की चारों यार बेस्ट थी। बाकी यार आपने तो देख ही लिया किस तरीके का प्रिपरेशन था और क्या था। तो होप करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जैसे कि लोकेशन का लिंक है और एड्रेस है, वो आपको लोकेशन में मिल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और देखिए, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव अपडेट डालता रहता हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।